इससे कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान होता है। यानी कांग्रेस हमसे सैद्धांतिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इतनी हताश है कि उसमें सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध का साहस भी नहीं बचा, इसलिए गाली गलौज और मोदी पर झूठे आरोप ही उनका एकमात्र एजेंडा बन गया है। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है भारत के इतिहास में, आज वो समय आ गया है जब हमें अपने देश का भाग्य बदल देना है। और साथियों, मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था और आपको तो कई बार कह चुका हूं, मैंने देशवासियों को कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 11 घंटे काम करेगा, अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटे काम करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा। मेरे साथियों, देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं, देश भर के मेरे देश को उज्जवल भविष्य के लिए आशा लगाकर बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिला है, हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है। और मेरी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? करोगे? हर लाभार्थी के पास जाइए, उनको कहना कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम कहा है। और इसमें आपको नमो ऐप से भी बहुत मदद मिलेगी, आप नमो ऐप के जरिए मेरा प्रणाम और मेरी चिट्ठी उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचाएंगे। किसी भी बूथ में एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा ना हो जिस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचा ना हो, आपको उन्हें पिछले 10 वर्षों के काम और आने वाले 5 वर्षों के प्लान, इसके विषय में जरूर बताना है। मैं आपको उन्हें नमो ऐप पर विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, हमें उसको जोड़ना है, वो हमारा एम्बेसडर है। मतदान के दिन इन सभी मतदाताओं को बूथ पर लाकर हमें कमल निशान पर मतदान करवाना है, और जहां एनडीए के साथी हो उनके निशान पर मतदान करवाना है। साथियों, हमें याद रखना है, हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है, और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है।